नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी अभी जस्ट काम फिनिश किया है और नीचे पापा गए हुए हैं तैयार होने के लिए। पापा को जो है कोर्ट भी छोड़ने जाना है। अजिया यहाँ पर तैयार हो गई है। हाँ, तो मंदिर भी जाना है हम लोगों को। ये अभी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है आप भूल गए होंगे कि आज हम लोगों को मंदिर जाना है, इस वजह से हम आपको याद दिलवा दिए। उसके बाद क्रियांश को वैक्सीन भी लगेगा, आज बहुत सारे काम है, कार्ड को छपने देना है, लोगों को सोचना है क्या क्या करना है नहीं करना है, तो कुछ नहीं फाइनल हुआ। तो कोई बात नहीं जी, बहुत जल्दी फाइनल हो जाएगा, आज ही सब कुछ हो जाएगा। और इधर वार्डरोब का काम जारी है जी, तो देख सकते हैं यहाँ पर चल रहा है काम और लगभग यहाँ तक पूरा हो चुका है और कुछ काम सा बचा है। 10 दिन के करीब ये भैया के ऊपर है। 10 दिन से कम लगेगा। चलिए जी, अच्छा है। क्रियांस हो चुका है नहा के रेडी और ये अब बस दादी के पास रहेगा। तब तक पापा के पास था, जब तक पापा का लग रहा था उम्मीद की पापा और नहा देंगे। हैं, दूध का समय हो गया है लगता है, इसीलिए दादी को। हाँ, कपड़ा भी पहन लिया, तब सोचता पापा अब तो नहाएंगे नहीं, अब तो नहा लिया हम। नहा लिया, दादी भी कपड़ा पहनते हैं, बहुत लगता है इसको कहीं जाना है। हाँ, चलो। तो सभी लोग जो है नहा धो करके रेडी हो गए और क्रियांस भी रेडी है। जय जय। और क्रियांस को पता नहीं है कि अभी ये कहाँ जा रहा है, तो हम लोग जा रहे हैं जी। और जो है क्रियांस का वैक्सीनेशन लगना है, जा रहे हैं क्रियांस को वैक्सीन देने। पहले तो हम लोग मंदिर चलेंगे, उसके बाद चलेंगे पापा को वैक्सीन दिलवाने। बिल्कुल, छुई लगेगी तुमको, फिर पता चल जाएगा। अभी तो बहुत खुश है, लेकिन सुई लगने के बाद क्या हाल होगा सभी लोग जानते हैं। 20 मिनट्स लेटर। क्या बोलो, क्या बोलिए, कुछ कुछ बोलिए। तो क्रियांश आ गया है अपने वैक्सीनेशन सेंटर और क्रियांश को भी पता नहीं है कि क्या होने जा रहा है, अभी तक तो खुश है। यश, सब ओके? बताओ तो मुझे, बताओ उधर सब ओके है? क्या करे भैया, क्रियांश को इंजेक्शन पड़ गया, चार चार, एक यहाँ पड़ा है, यहाँ यहाँ यहाँ, बहुत रोया तो उसको एक लॉलीपॉप मिल गया है। अभी आ गया है मोलू के पास। हे क्रियांश, मामा के पास आया है, लॉलीपॉप देगा? नहीं देगा, दे दो। बोला मैं नहीं देता किसी को। दे दियो, दे दो मामा, दिए ना, दे दो पापा को, देखता है, देखो नहीं करेगा मेरे, दे दो, दे दो। मोलोक जब इंजेक्शन पड़ता था ना, मोलोक पहले कहता था गुल्ला दीजिएगा तब इंजेक्शन दिलाएंगे, मतलब रसगुल्ला। तो क्रियांश अपना नानी घर घूम लिया, नानी घर में आकर के अपना 2 लॉलीपॉप खत्म किया है और उसके बाद जो है अब निकल रहे हैं और साथ में लेके जा रही है नीम। और नीम से जो है काफी सुधार आया, आप में से कई लोग कमेंट करके पूछ भी रहे थे सुधार आया कि नहीं, तो देख सकते हैं बहुत सुधार आया, कितना ज्यादा रेसेस था पीछे, पता नहीं लगता। हाँ हाँ, अब बस खाली वही काला काला हो गया जहाँ जहाँ सूखा है। ओए चलो, चलते हैं, चले। तो क्रियांश को वैक्सीन लगाने के बाद, क्रियांश के नानी घर जाने के बाद और उसके बाद आ गए हैं हम लोग फाइनली मंदिर, और मंदिर में यहाँ जा करके पूजा अर्चना करते हैं और पूजा करके जो है फिर सीधे हम लोग निकलेंगे घर। वहाँ क्रियांश दादी के साथ खेल रहा है, उधर चला गया। ये जो आप देख रहे हैं छोटी सी बच्ची, ये क्रियांश की फेवरेट दीदी है। और इधर पति करने की नाश्ता मिलेगा, नाश्ता दे ले। कैसे आदमी है आप, तुरंत बोल अच्छा नाश्ते दो। और मैं दिखाती हूँ आपको हमारा काम अभी तक कितना हुआ है, तो ये देख सकते हैं आप। अभी उतना तो काम नहीं हुआ है लेकिन काम चल रहा है, और इसमें 5 से 6 दिन और लगेंगे। और मेरा इधर पूरा रूम गंदा, ये बेडशीट हम बिछा देते हैं और जब काम खत्म हो जाता है तो बेडशीट को निकाल देते हैं, फिर दूसरा बेडशीट पूरा झाड़ के बिछा देते हैं। क्रियांश गया उधर भाभी के पास,
और अभी मुझे कुछ इंस्टाग्राम का वीडियो शूट करना था, रील्स वगैरह बनाना था, तो मैं गई थी छत पे पतिदेव को लेकर के वीडियो शूट करने के लिए, और हो गया। ज्यादा तो नहीं, एक दो कर दिए, ज्यादा तो कर नहीं देते, बोलते खुद से करो, मेरे से नहीं होगा। और माँ भी बोली तुम्हें करना है तो खुद से सीख लो, क्योंकि ये आदमी तुम्हारा हेल्प करने वाला है नहीं। बिल्कुल नहीं, लेकिन ये है कि खुद से सीखेगी नहीं, घर में ट्राइपॉड सब कुछ लेकर के रखा हुआ है कि खुद से भी काम किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं करेगी। बात ये है कि ना, ये जैसे शूट कर देते हैं वैसा होता नहीं है, इस वजह से इनकी हेल्प लेते हैं। और ये इतना भाव खाते हैं, इतना भाव खाते हैं कि पूछिए मत। और झूठ का फ्रिज दिन में 10 बार खोलते हैं और मिलता कुछ नहीं है इनको। ठीक है, देते नाश्ता, क्या दें? तो कुछ भी दो ना, मुरी, धान मुरी, चूरा फ्राई, कुछ भी जो है। ठीक है, आज प्याज नहीं खाया जाएगा। ठीक है, प्याज नहीं खाया जाएगा, जो है दो ना। ठीक है, तो अब भी देख सकते हैं हमारे घड़ी में बज रहे हैं 2:20 और अभी हम लोग जा रहे हैं छत पे प्रियांश को लेकर के, है ना? जा रहे हैं, बहुत एक्साइटेड है। बाय बाय प्रियांश, आ रहे हैं पीछे में, बाय बाय। देख लो, बाय बाय बोलते, खुशी देख लो इस लड़के की। तो अभी बज रहे हैं जी रात के 3 और फाइनली जो है क्रियांश सो चुका है, तो क्रियांश को जो है अंदर जा करके सुला दिया है, अब चल करके हम भी सो लेते हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और क्रियांश को देख लीजिए, पापा को दुलार कर रहा है। नंगता कहीं का? बड़े भैया है आपके बेटा, चलो गाड़ी, चलो गाड़ी, चलो। ओए होए, तो क्रियांश के भैया तो चले गए और क्रियांश जो है अब आ गया है पापा के गोद में। अभी काफी रो रहा था, बहुत ज्यादा, तो डैडी दे गए अभी। ओए ओए क्रियांश, तो क्रियांश जो है नहीं आना जा रहा है अभी कैमरा में, तो चलिए कोई बात नहीं। ओए क्रियांश, ओए क्रियांश, और आ जाएगा दोनों भाई खेले। ओए तो क्रियांश जो है बाहर दिख रहा है, अपनी दीदी को तलाश रहा है कि घर में है कि नहीं। इसकी दीदी अभी इसको छोड़कर मेला गई है। हां हां, इसलिए दीदी है, लेकिन दीदी आएगी मेला सा, देखो। हां, एकदम खुश है कि उधर जाने को मिलेगा। चीकू भी गई है क्या? तो रामनवमी का तो सारा सामान आ गया जी, और कल हम लोगों के घर में मनाई जाएगी रामनवमी, तो उसका भी वीडियो जरूर डालेंगे हम। आज भी तो अष्टमी के व्रत में हम हैं। तो माँ जो है वहाँ पर अपना ज्योत जलाई हुई है, तो देख सकते हैं। इसे हम दुआ करते हैं कि हम अपने बेटा और अपने पति के लिए ज्योति नहीं जलाए, संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए हम ज्योति जलाए हैं। किसी भी सज्जन माँ बाप के आंख में आप आंसू मत दिखाइए, दया कीजिए, और जब तक हम जिंदा हैं तब तक यही करते रहे।